वेलकम बैक टू आईडी चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में एंड मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा ये और कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है जब ये नीचे गिर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाई वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप इसको वन डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी एक रैली हुई है। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके यहाँ पर इसने रैली किया एंड उसके बाद टॉप से लगभग 1200 22 रुपीज़ के आसपास ये सेलिंग ट्रिगर हुई है और ये कंटिन्यूसली सीधे होते जा रही है। इसको इस पॉइंट पे रुकना था और इस पॉइंट पे यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन पैटर्न भी बनाया है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन उसके बाद फिर से इस एरिया को इसने ब्रेक किया है, इस जोन को, और नीचे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। तो और कितना ज़्यादा नीचे गिरेगा, इन सभी पॉइंट्स का यहाँ पे हम लोग को, इन सभी क्वेश्चन का हम लोग को यहाँ पे जवाब ढूंढना है। तो अगर आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल पे साफ साफ नज़र आ रहा होगा आपको, बायर्स ने यहाँ पे पोजीशन ऊपर की ओर क्लोज किया है, लेकिन यहाँ पे फिर गैप डाउन ओपनिंग के बाद कंटिन्यूसली ये नीचे की ओर जा रहा है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे कहीं पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको एक छोटा सपोर्ट इस पॉइंट के आसपास मिल जाएगा जो कि 700 800 के आसपास मान सकते हैं, ठीक है। दो से दो तीन पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पे 1-2% ऊपर नीचे 800 780 के आसपास पहला सपोर्ट है एंड उसके बाद का जो हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र आ रहा होगा, अब ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों हो जाता है, देखिए कोई भी शेयर जब ऊपर से तेज़ी से नीचे की ओर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चांस होता है कि ये इस जो रैली किया है इसका यहाँ पे इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। हम लोग लेना है ये फीवो ले लेते हैं यहाँ पे एंड इसका रिट्रेसमेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अभी फीवो का जो पहला होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग पहला रिट्रेसमेंट देखेंगे 23% का, तो ये तो ऑलरेडी इसने क्या किया है, क्रॉस कर दिया, राइट। दूसरा रिट्रेसमेंट है हमारा जो हम लोगों ने अभी 800 के आसपास का लेवल निकाला वो 38% एंड उसके बाद का जो 50% वाला लेवल है ये है लगभग लगभग हमारा 600 के आसपास वाला लेवल देख रहे हैं। तो 600 के आसपास वाले लेवल से इसके बाउंस बैक देने की सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। अगर इतना नीचे गिरता है कंटिन्यूसली तब की हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये लेवल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये अगर लेवल ब्रेक हो गया है तो सेकेंड लेवल होता है, यहाँ से इसको बाउंस बैक देने की प्रॉबिलिटी। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, आप सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, वीकली एंड डेली देखेंगे, हो सकता है यहाँ पे कुछ सपोर्ट हम लोग को नज़र आ रहा हो। अब यहाँ पे 1-2-3 मंथ ये लगातार यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। बड़े बड़े कैंडल्स हैं, छोटे कैंडल्स तो है नहीं, तो ये सपोर्ट भी पास में है लगभग लगभग इस पॉइंट से जिस पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 40 पॉइंट्स अवे है, तो हो सकता है थोड़ा सा 40 पॉइंट्स अवे बना के यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल होके एक छोटा कैंडल अभी बना है, ठीक है। छोटा कैंडल इसलिए क्योंकि बड़े बड़े तीनों कैंडल बन चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो ब्रेक हो गए हैं, अभी ये कहीं बीच में ट्रिगर कर रहा है, तो यहाँ पे 1-2 छोटा कैंडल बनेगा, ठीक है। तो हम लोग धीरे 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 फिर इन लेवल्स के पास आएंगे और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम लोग 800 के पास वेट करने वाले हैं। अब हम लोग 800 के पास वेट करने वाले हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 3-4 वीक इस रैली के पार्ट में 3-4 वीक यहाँ पे इसने होल्ड किया है, ठीक है। अब इसने होल्ड किया, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। सेकेंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट टेक्निकली जो देखने को मिलेगा आपको कि ये इस कैंडल से अगर आप काउंट करेंगे तो सिर्फ एक ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा, ठीक है। लगभग लगभग 4 ये हैं और यहाँ पे 5 हैं, ठीक है। तो 4, 5, 9, 10 कैंडल हैं और 10 कैंडल में हमें सिर्फ 2 कैंडल यहाँ पे ग्रीन देखने को मिल रहे हैं, बाकी ये वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम किया है। मैंने हमेशा बता रखा है कभी भी वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम होता है तो यहाँ से बाउंस बैक या फिर इसके रिवर्सल की जो प्रॉबिलिटी है थोड़ी बढ़ जाती है, और ये शॉर्टर टर्म में होता है। अगर ये यहाँ पे पैटर्न कुछ बनाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यहाँ पे ये होल्ड करता है, ठीक है, इसकी हाई प्रॉबिलिटी होती है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट, एक सपोर्ट वाला प्लस ये फॉल वाला, अगर हम लोग सारे पॉइंट्स मैच करेंगे हमें पता चलेगा कि ये इन लेवल्स के आसपास 800 के आसपास हो सकता है 820 का भी लेवल हो सकता है 780 का भी लेवल हो, वी डोंट नो, ठीक है। एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते, यहाँ पे ये रेंज होता है हम सभी को पता है, तो हम लोग ये रेंज ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। हमारे पास इस तरीके से 50 रुपीज़ का रेंज है, अब इस रेंज में कहीं से भी ये ऊपर जाके यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है एंड अगर एक छोटी सी पोजिशन बनानी है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 1000 रुपये डालना है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ जो भी मुझे 1 लाख डालना है, तो यहाँ पे मैं 20,000 रुपये डाल देता अपने। क्यों मैं डालता,
क्योंकि ये हमारा यहाँ पे इतना मुझे नीचे मिला है, वी डोंट नो अगर यहाँ से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ये ब्रेकआउट देके ऊपर क्यों निकल गया और यहाँ पे एक रेंज बना दिया, ठीक है, तो हमें पता नहीं ये प्राइस फिर से आएगा कि नहीं, राइट। तो इसलिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे एंटर करता, ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ब्रेकआउट देता तो सेकेंड एंट्री मेरी यहाँ होती, अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता तो फिर सेकेंड एंट्री मुझे मेरी नीचे होती, और नीचे अगर ये जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया 600 के आसपास वाला लेवल, इस लेवल पर मेरी लगभग लगभग 60% 70% हो जाती। अब ये मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही फंडामेंटल्स किसी शेयर के चेक कर लिए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है एंड शेयर फॉल हो रहा है, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ये टाटा मोटर्स ये सारे जनरल शेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले तो फंडामेंटल चेक करने हैं, वो सही लगे तभी आप अपने पैसे रिस्क पे लगाइएगा, ठीक है। अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, कुछ खराब हो गया, वी डोंट नो, हमें पता नहीं है, और ये धीरे धीरे स्लोली आएगा तो हमारे पैसे डाइल्यूट हो जाएंगे एंड 0 रुपीज़ फिर बचेगा, तो इस बात का भी ध्यान देना है हम लोगों को, राइट। तो यहाँ पे हो गया, हम लोगों को पता चल गया ये वीकली यहाँ पे हॉल्ट करने वाला है। अब हो सकता है इस कैंडल, ये जो अभी फिलहाल कैंडल बनाया है, इस कैंडल पे हॉल्ट कर दे, या फिर हो सकता है इस यहाँ पे किसी लेवल को टच करे, यानी यहाँ पे बाउंस बैक देके इस तरीके से हमें क्लोजिंग दे दे, ये दोनों सिनारियो यहाँ पे पॉसिबल नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हॉल्ट करेगा इसकी हायर प्रॉबिलिटी नज़र आ रही है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए एक बड़े कैंडल के अंदर कितने ये छोटे छोटे कैंडल बनाया है, ठीक है, ये बड़ा कैंडल है, इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनाया, होल्ड किया है, तो ऐसे सिनारियों में ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर ये ऐसे सिनारियों में ब्रेक करेगा तो सीधे 800 के आसपास जाएगा, 800 से भी 20 रुपीज़ नीचे जा सकता है, लेकिन 800 हमारे पास यहाँ पे लेवल है, तो इसलिए हम लोग 800 डाउन लेवल है तो 800 के आसपास जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेक होता है तो नीचे आ जाएंगे, अदरवाइज हो सकता है कल के दिन इसी ट्रेंड लाइन के अंदर इसी कैंडल के अंदर हम लोग ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। अब सेकेंड थिंग, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे मंडे की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हम लोग ये ट्रेंड लाइन तो आराम से यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड आप यहाँ पे, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा चार्ट थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से सेट करता हूँ, अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को इसने बार बार रीटेस्ट किया है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को इसने बार बार रीटेस्ट किया है, अब ये नीचे है, तो मुझे लगभग लगभग कम से कम यहाँ पे 864 का ब्रेकआउट हो, तब मैं जाके यहाँ पे 880 के लिए कोई सोच सकूँ, और 880 का जब ब्रेकआउट होगा तो हमें ये 1:1 इसका ओवर प्लॉट कर देना है, और हमारा उसके हिसाब से कहीं ना कहीं 920 के आसपास वाला लेवल निकल के आएगा, ये शॉर्टर टर्म के लिए अगर ऐसा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये यहीं पे एक रेंज बना के नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग 780 तक के कुछ बारे में सोच सकते हैं, फिर यहाँ से हो सकता है एक बाउंस बैक दे, होल्ड करे, हो सकता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे और यहाँ पे एक रेंज बनाए, उसके बाद ये ऊपर जाएगा या नीचे वो हम लोग देखेंगे, राइट। लेकिन मंथली टाइम पे व्यू पे हमने देख लिया, वीकली भी व्यू देख लिया, और यहाँ पे मंडे के लिए भी यहाँ पे व्यू देख लिया है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के आप यहाँ पे कोई किसी वीडियो की रिक्वेस्ट करेंगे उसी दिन मैं पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।